अपना फेसबुक स्टोरी पर किसी भी सॉन्ग लगाने के बाद यहाँ पे योर वीडियो इज़ म्यूटेड ऐसी तरह अगर दिखाई दे, देखिए कॉपीराइट का प्रॉब्लम अगर ऐसी तरह दिखाई दे, जैसे कि देखिए रिव्यू पे मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे दिखा रहा है कि ये वीडियो कॉपीराइट है, ऐसी तरह दिखा रहा है। अगर ये ऐसी तरह कोई भी प्रॉब्लम दिखा रहा है आपके सामने में, तो मैं बता दूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है और ये प्रॉब्लम आने से हमारा फेसबुक पे क्या क्या दिक्कत आ सकता है, मैं आज के इस वीडियो में दिखाऊँगा। ठीक है गाइज, क्या आपका भी फेसबुक स्टोरी पे, आप भी अपने एक फेसबुक पे एक स्टोरी लगाया है और इस पे ये भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कॉपीराइट का प्रॉब्लम है। दोस्तों ये प्रॉब्लम अगर आ गया है आपका फेसबुक पर तो आपको क्या करना है, मैं आज के उस वीडियो में बताऊंगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों ये जो है ये कॉपीराइट है, ये मेटा की तरफ से यानी कि फेसबुक की तरफ से ये आपको कॉपीराइट दिया गया है। आपको मैं बता दूं ये प्रॉब्लम अगर आ जाए तो आपको बिल्कुल ही ऐसा स्टोरी को अपने फेसबुक पे नहीं रखना है। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको। दोस्तों अगर आपका फेसबुक पे कोई भी वीडियो स्टोरी लगाने के बाद अगर इसी तरह कॉपीराइट कॉन्टेंट दिखा रहा है तो उसको आप सीधा थ्री डॉट पर क्लिक करिए करके इसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये सब वीडियो जो है आपका फेसबुक अकाउंट के लिए बहुत खतरा है। अगर इसी तरह वीडियो आप लगाएंगे तो आपका फेसबुक अकाउंट किसी भी टाइम जो है डिसेबल हो सकता है, आपका लॉक हो सकता है आपका फेसबुक आईडी। ऐसे तरह अगर कोई भी वीडियो लगाने के बाद ऐसे तरह कॉपीराइट या ऐसे तरह कोई भी चीज़ दिखा रहा है, कॉपीराइट या ब्लॉकेड ऐसे तरह दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, ये स्टोरी को बार बार नहीं लगाना है फेसबुक पर। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो कि फेसबुक पर छोटा छोटा गलती की वजह से बड़ा बड़ा सजा दिया जाता है, अपने अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है थोड़ा बहुत गलती के लिए। इसीलिए आपको क्या करना है, अगर ऐसी तरह कोई भी इशू आ जाए अपने स्टोरी पे तो आप इस स्टोरी को डिलीट करके दूसरा स्टोरी लगाइएगा। मेरा साजेस्ट जो है, मेरा जो राय ये कहता है कि आपका अगर फेसबुक पे ऐसी तरह प्रॉब्लम आ जाए तो आपको ऐसी तरह स्टोरी बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, बहुत लोग मैंने देखा यूट्यूब पे, बहुत लोग ऐसा वैसा सोल्यूशन बता देते हैं लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आ जाता है। आप सभी को मैं यही चीज़ कहूँगा कि ऐसी तरह वीडियो को आप स्टोरी मत लगाइएगा, दूसरी स्टोरी लगाइएगा। ऐसी तरह अगर कॉपीराइट आ रहा है किसी भी वीडियोस पर किसी भी स्टोरी पे तो ये स्टोरी को मत लगाइएगा, किसी भी टाइम आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो सकता है। आई होप इस वीडियो का माध्यम से आपको सही और अच्छा आपको सोल्यूशन मिल गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।